नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, तैयार हो जाइए एक अद्भुत सफर के लिए। हम जा रहे हैं समय के साथ एक रोमांचक यात्रा पर। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम पलक झपकते ही लाखों साल पीछे जाने वाले हैं। जरा सोचो उस समय के बारे में जब इंसान नहीं थे, शहर नहीं थे, यहां तक कि हम भी नहीं थे। हमारा ग्रह बहुत लंबे समय से है। इसने अविश्वसनीय बदलाव, अद्भुत जीव और महान सभ्यताओं का उत्थान और पतन देखा है। क्या आप अतीत का पता लगाने के लिए तैयार हैं? विशाल डायनासोर से लेकर हिमयुग का सामना करने वाले पहले इंसानों तक हम अपने ग्रह के इतिहास के रहस्यों को उजागर करेंगे। हम प्राचीन साम्राज्यों का भ्रमण करेंगे, नए विचारों के जन्म को देखेंगे और देखेंगे कि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उससे सब कुछ कैसे जुड़ा है। तो मजबूती से पकड़े रहिए और यात्रा शुरू करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जिस पर दिग्गजों का राज हो। लाखों साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर घूमा करते थे। ये सिर्फ छिपकलियां नहीं थीं, ये सभी आकार और प्रकार के विशाल जीव थे। कुछ डायनासोर विशाल पौधे खाने वाले जीव थे, जैसे लंबी गर्दन वाला ब्राचियोसॉरस, जो पेड़ों पर ऊंचे ऊंचे पत्ते खाता था। अन्य भयंकर शिकारी थे, जैसे भयानक टायरानोसॉरस रेक्स, अपने शक्तिशाली जबड़ों और नुकीले दांतों के साथ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब ये दिग्गज चलते होंगे तो जमीन हिलती होगी? डायनासोर का युग अविश्वसनीय विविधता का समय था। इन अद्भुत जीवों का पूरे भूमि पर दबदबा था। सबसे छोटे कॉम्प्सोग्नाथस से लेकर अब तक के सबसे बड़े भूमि वाले जानवर विशाल अर्जेंटीना सॉरस तक डायनासोर ने लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। फिर पृथ्वी बदलने लगी। ठंडे तापमान का एक लंबा दौर शुरू हुआ, जिससे बड़े बड़े इलाके बर्फ और बर्फ से ढक गए। यह हिमयुग था। डायनासोर सहित कई जानवर कठोर परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सके और गायब हो गए। लेकिन जीवन ने एक रास्ता खोज लिया। इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान शुरुआती इंसानों का उदय हुआ। वे साधनशील और अनुकूलनीय थे। इस जमी हुई दुनिया में जीवित रहना सीख रहे थे। वे ऊनी मैमथ का शिकार करते थे, ठंड से बचाव के लिए आश्रय बनाते थे और जीवित रहने के लिए औजार बनाते थे। ये शुरुआती इंसान हमारे पूर्वज थे और उनके धैर्य ने मानव सभ्यता के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे जैसे बर्फ की चादरें पीछे हटीं, इंसान फलने फूलने लगे। वे उपजाऊ नदी घाटियों में बस गए, जहां उन्होंने खेती करना और जानवरों को पालतू बनाना सीखा। इससे मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी में पहली सभ्यताओं का उदय हुआ। ये प्राचीन सभ्यताएं शक्तिशाली नदियों के किनारे फली फूलियों। मिस्र में नील नदी, मेसोपोटामिया में टाइग्रिस और यूफ्रेट्स और सिंधु घाटी में सिंधु नदी। उन्होंने लेखन, गणित, खगोल विज्ञान और सरकार की परिष्कृत प्रणालियां विकसित की। बेबीलोन और मेम्फिस जैसे प्राचीन शहरों की भव्यता की कल्पना करो, उनके विशाल जिगुरेट्स और राजसी पिरामिडों के साथ। इन प्रारंभिक सभ्यताओं ने मानव प्रगति की नींव रखी। उनके नवाचारों ने इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। भाग 5, अतीत की गूंज, प्राचीन ग्रीस और रोम। पहले की सभ्यताओं द्वारा रखी गई नींव से नई शक्तियां उभरी। प्राचीन ग्रीस दार्शनिकों और कलाकारों की भूमि ने लोकतंत्र और नाटकीय रंगमंच को जन्म दिया। एथेंस में एक्रोपोलिस के बारे में सोचो, जो ग्रीक कला और वास्तुकला का प्रतीक है। रोमन साम्राज्य अपनी सैन्य शक्ति और इंजीनियरिंग कौशल के लिए जाना जाता है, ने सड़कें, इक्वाडक्ट्स और कोलोसियम जैसी प्रभावशाली संरचनाओं का निर्माण किया, जो उनकी स्थापत्य प्रतिभा का प्रंचीन कांतें टेस्टमेंट आण है। इन सभ्यताओं ने कला, साहित्य, दर्शन, कानून और सरकार की एक समृद्ध विरासत को पीछे छोड़ दिया, जिसने आने वाली सदियों तक पश्चिमी सभ्यता के विकास को प्रभावित किया। भाग 6, मध्य युग, शूरवीर महल और गिरजाघर। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद
यूरोप ने मध्य युग में प्रवेश किया। यह शूरवीरों, महलों और शिष्टता का समय था। एक मध्ययुगीन टूर्नामेंट में तलवारों के टकराव की कल्पना करो। इस अवधि के दौरान ईसाई धर्म पूरे यूरोप में फैल गया, जिससे पेरिस में नोट्रे डेम जैसे शानदार गिरजाघरों का निर्माण हुआ। मध्ययुग संघर्ष और उथल पुथल का समय रहा होगा, लेकिन उन्होंने विश्वविद्यालयों का उदय, नई कृषि तकनीकों का विकास और मठों में प्राचीन ज्ञान के संरक्षण को भी देखा। भाग 7, विचारों का पुनर्जागरण, कला, विज्ञान और खोज। मध्य युग के बाद यूरोप ने कला, विज्ञान और शिक्षा के पुनर्जन्म का अनुभव किया। पुनर्जागरण। लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा के जीवंत रंगों या माइकल एंजेलो के सिस्टिन चैपल की छत पर लुभावने भित्ति चित्रों की कल्पना करो। इस युग में प्रिंटिंग प्रेस जैसे अभूतपूर्व आविष्कार हुए, जिसने ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी। खोजकर्ता नए देशों और संस्कृतियों की खोज में दुनिया भर में रवाना हुए। पुनर्जागरण ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया, पुराने विचारों को चुनौती दी और अन्वेषण और खोज के एक नए युग की शुरुआत की। भाग 8, हमारी दुनिया को आकार देना। अतीत की विरासत। समय के साथ हमारी यात्रा अविश्वसनीय रही है ना? हमने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, नए विचारों का जन्म और मानव सभ्यता के निरंतर विकास को देखा है। इतिहास के माध्यम से हमने जो भी कदम उठाया है, उसने हमें इस क्षण तक पहुंचाया है। इन पिछली सभ्यताओं की विरासत हमारे चारों ओर है। हमारे द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं से लेकर हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों तक। अपने अतीत को समझने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम आज कौन हैं। तो आइए हम मानव जाति की अविश्वसनीय यात्रा का पता लगाना, सीखना और उसकी सराहना करना जारी रखें।